आइन में तरमीम के बाद कुछ चीज़ें तो समझ आ जाती हैं कि ये असेंबली डिसॉल्व हुई प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, 58(1) इस पे आता है, और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 57 क्लॉज आई थिंक वो कहती है कि ये इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगा। अगर 58(2) के तहत होती तो फिर सदर ममलिकत ही दे देते। लेकिन ये तनाज़ा, एक तनाज़े की सूरत हाल क्यों इख्तियार कर गया है? अगर सदर ममलिकत बुलाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो मुलाकात करने में कोई अमर माने हैं क्या? थैंक यू। गुजारिश यह है कि जो प्रीवियस प्रोविजन थी ना इलेक्शन एक्ट 2017 की आर्टिकल सेक्शन 57 की, उस वक्त तो ये ज़रूर था कि जी प्रेजिडेंट इन कंसल्टेशन विद कमीशन गिव डेट फॉर द इलेक्शन, लेकिन उसमें फिर अमेंडमेंट आ गई है, और जो अमेंडमेंट आ गई है उसमें वो पावर्स प्रेजिडेंट साहब के पास नहीं है और प्रेजिडेंट साहब को खत नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन अगर इलेक्शन एक्ट के प्रोविजंस के नीचे में लिखा, लेकिन वो प्रेजिडेंट हैं, उनके पास एक इख्तियार ज़रूर है, वो इख्तियार उनको आर्टिकल 48(5) देता है, सब आर्टिकल कि उसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग विद प्रोविजंस इन सब आर्टिकल 1 द प्रेजिडेंट शैल गिव डेट ऑफ इलेक्शन विद इन 90 टू बी हेल्ड विद इन 90 डेज। तो ये आइन उनको इख्तियार देता है, और आइन इस मुल्क का सुप्रीम लॉ है। इलेक्शन एक्ट जो है ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ रेजोल्यूशन होगी तो फिर वहाँ पे इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है। जहाँ पे टर्म पूरी होगी और जो 5 साल अपनी असेंबली पूरी करेगी तो फिर उस वक्त ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास नहीं होगा, बल्कि वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हो, जो मैं समझ पा रहा हूँ जो सिंपल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिंपल रीडिंग ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 है। नहीं, लेकिन बुखारी साहब यहाँ पे टर्म पूरी तो नहीं हुई ना, असेंबली तो 9 अगस्त को डिसॉल्व हो रही है, ये अलहदा सवाल है। लेकिन तो फिर मैंने तो बता दिया एवरीबडी नोज इट की रेजोल्यूशन हुई है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी, इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। हाँ, जब रेजोल्यूशन होगी तो फिर आर्टिकल 48 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑपरेटिव होगा। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का काम है। मैं समझता हूं कि आइन ये बात कहता है, यानी इलेक्शन कमीशन जो अभी आज जो इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया है कि असेंबली 58(1) के तहत डिसॉल्व हुई है, अगर 58(2) के तहत होती तो फिर आपका इख्तियार था, अभी हमारा इख्तियार है, तो इलेक्शन कमीशन का मौकफ दुरुस्त नहीं है क्या बुखारी साहब? देखिए जी, मैं तो 48 की बात कर रहा हूँ, फिर आर्टिकल 224 की बात करता हूँ, वो 90 डेज कहता है। 48 वो जो है रेजोल्यूशन देखे ना, रेजोल्यूशन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हुई है, आज खुद तो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व नहीं की। 58(2)(b) चली गई है बहुत पहले 18th अमेंडमेंट में, जब प्रेसिडेंट के पास अख्तियार, तो प्रेसिडेंट ने ये भी आर्टिकल है कि आर्टिकल 48 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जी, लेकिन इसमें नॉट विद स्टैंडिंग जब आ गया सब आर्टिकल 5 में, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास था कि वो इलेक्शन की डेट दे विद इन 90 डेज की। दिस इज द सिंपल रीडिंग जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो बुखारी साहब समझ नहीं आ रही कि अगर आज आप आइन की बात कर रहे हैं उस वक्त आप लोग ठीक थे या आज आप लोग ठीक हैं, और क्या ग्राउंड रियलिटीज को जवाब बना के बुक को या आइन को पीछे रख देना मसलहत के तहत वो ठीक है या कुछ और ठीक है? थैंक यू। मैं पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं, आपने रेफरेंस दिया है, आपने रेफरेंस दिया है 58(2) का जी। 58(2) डील करती है प्रेसिडेंट की पावर्स को कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लीडर हो उसके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और फिर किसी और को मेजॉरिटी हासिल ना हो, वो कोई नया प्राइम मिनिस्टर हाउस इलेक्ट न कर पाए, मेजॉरिटी हासिल न कर सके कोई शख्स जिसका मैं प्राइम मिनिस्टर, तो फिर डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के पास कि वो खुद डिसॉल्व करे जी। अब थोड़ा सा फर्क आप पढ़ लें कि जब एडवाइस उन्होंने दी तो उस एडवाइस पे उन्होंने जो पार्ट 1 है, द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर
and the National Assembly shall, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours. तो इसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस तो दी थी जी, ये तो हुआ नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया हो और फिर कोई और शख्स मेजोरिटी हासिल ना कर सका हो. तो दिस अ डिफरेंस यू नो. पहली बात तो ये मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कर दूं. लेकिन बुखारी साहब यही बात तो हम भी रख रहे थे ना. अब जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो कह रहा है कि 58(1) के तहत अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो फिर जो स्केड्यूल है वो हमने देना है, तारीख हमने अनाउंस करनी है. और हम भी ये कह रहे हैं कि 58(2) के तहत तो असेंबली डिसॉल्व ही नहीं है ना जी. देखिए ना जी, यही तो मैंने क्लैरिटी की है कि 58(2) के नीचे प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है. प्रेसिडेंट जब भी डिसॉल्व करता है वेदर एडवाइस पे करता है, उसमें करता है, ये नहीं लिखा गया जो 48(5) में, उसमें है कि जब रेजोल्यूशन होगी. रेजोल्यूशन मींस ऑन द एडवाइस और अदरवाइज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. उसमें कहीं 48(5) में लिखा है कि जब वो हाउस नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं कर सकेगा तो फिर ये होगा. रेजोल्यूशन मींस रेजोल्यूशन आइदर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और अदरवाइज इफ समबडी फेल्स टू हैव मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. दूसरी बात आपने पंजाब और केपीके की, उसको कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट साहब ने खुद बनाया, उसको कोर्ट्स ने बनाया और मैं समझता हूं कि कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स डिवीजन इन दी जुडिशरी, वो मौकफ एक था कि 3-2 डिसीजन है, फिर एक कहते थे 4-3 का डिसीजन है. तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट थी, पंजाब में डेट दे दी, केपीके में डेट ही ना थी, गवर्नर ने डेट दी, उस पर बदल ही नहीं किया. और फिर उसकी एक रीजनिंग थी जो पॉलिटिकल रीजनिंग थी कि ऑलमोस्ट कोई 68-70% पॉपुलेशन का इलेक्शन बाकी को छोड़ के हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इन दो प्रोविंसेस में इलेक्शन आता तो जनरल इलेक्शन पे जो नेशनल असेंबली पे उस पर इनका इम्पैक्ट आता है. मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान की जो पार्लियामेंटेरियन जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं या आज़ाद कश्मीर के, उनका हमेशा इसरार रहा कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो भी होती है जिस पार्टी की, दैट अफेक्ट्स द इलेक्शन रिजल्ट्स. फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस उस सिचुएशन में हो नहीं सकते थे कि 70%. अब देखे ना, वो इलेक्शन हो जाते, प्राइम चीफ मिनिस्टर आ जाते जिस भी जमात के आते. बुखारी साहब तब आर्टिकल 224 कहां पे था, कब 90 रोज में इलेक्शन जो आईन कहता है वो कहां पे थे, मेरा तो बुनियादी सवाल ये है ना. अब ये मसलहत के तहत अगर किताब को पीछे रख दिया जाए, उसका उसके रीजनिंग एक और भी थे जी कि इलेक्शन कमीशन वॉज अनएबल टू होल्ड द इलेक्शंस, जो उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की आर्टिकल 218 के नीचे. वो उन्होंने कहा हमारे में इस्तेतात नहीं, हमारे पास वो जराए नहीं, हमारे पास वो वसाइल नहीं. और फिर जो मशीनरी थी वो मशीनरी ये थी जो एग्जीक्यूटिव ने उनको सपोर्ट दी थी वो नहीं थी. आज जो के टेकर गवर्नमेंट बैठी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करे, असिस्ट करे फॉर होल्डिंग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जी. वो आर्टिकल 218 वो कहता है. तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को आप इलेक्शन कराने चाहिए. हमारी जमात का भी वॉकऑफ है कि आर्टिकल 224 इन्वोक किया जाए और विद इन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए.